कई बार क्या होता है, हमारी मम्मी जब हमसे कहती हैं, ध्यान से सुनना, ये सबके घर की बात है जो हम बोलने जा रहे हैं, कि छोटे कपड़े मत पहनो, कहती है कि नहीं? किसकी मम्मियां कहती है? और वो सभी की कहती है। बॉयज के साथ ज्यादा उठो बैठो नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, कहती है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। मोबाइल ज्यादा मत चलाओ, ज्यादा घूमो फिरो नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सी बातें कहती है। तो ये बताइए गर्ल्स कि इस दुनिया में कौन लेकर आया? माँ, पापा, है ना? इतने अच्छे स्कूल में कौन पढ़ा रहा है? माँ पापा पढ़ा रही है। हमारी यूनिफॉर्म किसने बनवाई? हमारे आप लोग जो टिफिन लेकर आए होंगे वो किसने बनाया? हमारी चोटियां किसने बनाई? हमें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे कौन ले जाता है? हमें ब्रांडेड कपड़े कौन पहनाता है? मम्मी पापा। तो कहने का मतलब इतना है कि जब मम्मी पापा हमारे जीवन में इतना सब कुछ हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, और यदि वो किसी बात के लिए मना करते हैं तो क्या वो गलत है? वो गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। हमें क्या करना है, हमें उनकी उन फीलिंग्स को समझना है। क्योंकि बच्चों, हम जानते हैं आप लोग बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, अपनी लिए जागरूक हैं, लेकिन फिर भी ये दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं कि नहीं? कमी कहाँ है? कमी है सिर्फ हमारे अंदर हिम्मत की और हमारे अंदर फैमिली के साथ जुड़ाव की। हम फैमिली के साथ अटैच कम है, कहीं ना कहीं हमारे और मम्मी पापा के बीच अनदेखी कांच की दीवार है। इससे क्या होता है कि बाहर वाला इंसान हम पे हावी होने लगता है, वो हमें अकेला समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो ब्रांचेस है, एक आप हो, एक आपका भाई है, आपकी दादी है, दादू जी है, ठीक है, मम्मी है, पापा है, ये सारी ब्रांचेस है। तो यदि इसमें से एक ब्रांच तोड़ ली जाए तो क्या होगा? क्या होगा उसका? जमीन पे गिर गई ना। जमीन पे गिरने के बाद क्या हुआ? लोगों ने उसे कुचल दिया। तो ये परिवार जो होता है ना, हमारे लिए वृक्ष की तरह होता है, हम उसकी शाखाएं होते हैं। जब शाखाएं एक मजबूत वृक्ष से अलग हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के लोग उस पर हावी होंगे। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा वेल विशर यदि कोई होता है तो वो होते हैं हमारे मम्मी पापा और हमारे टीचर्स। हमें हमेशा अपने मम्मी पापा की और टीचर्स की बात माननी ही चाहिए। मानेंगे कि नहीं? पक्का? प्रॉमिस? और यहाँ पर मैं टीचर्स से भी कुछ कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हमारे और हमारे बच्चों के बीच एक हेल्थी फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाता। तो सपोज जैसे कि आपके बच्चे कभी कुछ अच्छा करते हैं तो उनकी उनकी कहना से ज्यादा उनकी प्रशंसा कीजिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाइए। क्योंकि बच्चे जब परिवार से अलगाव फील करते हैं तो वो बाहर जाके अपने दोस्त पूछते हैं, उसके कारण जो है ना, बच्चे कई बार घर में आए हुए मेहमानों से दूरी बना लेते हैं, उनकी नींद में भी असहजता होती है, और अचानक से आप इन सब स्थितियों को देखिए कि कौन आपके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोई अचानक से गिफ्ट चॉकलेट देने लगा है। तो कुछ ये छोटी छोटी स्थितियां होती हैं, यदि हम समय रहते भाप लेते हैं तो हम अपने बच्चों को कई बड़ी मानसिक बीमारियों से भी बचा लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब बच्चे पेरेंट्स से दूर होते हैं या पेरेंट्स बच्चों से दूर होते हैं किसी रीजन से, तो बच्चा एकता की कमी है। परिवार के साथ संगठित रहिए और अच्छे लोगों के साथ मित्रता को बढ़ाइए। आप लोगों को कोई डाउट? अपना जीवन अपने हाथ, अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए बच्चों। चाहे आपके एक घड़ी नंबर कम आए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। बदल देते हैं कि नहीं? आप
स्वयं लिखेंगे, हम स्वयं अपनी जिंदगी के राजा हैं। तो गर्ल्स अब आपके सामने हमारी अर्चना मैम आएंगी, वो भी आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देंगी, तो आप लोग उनको ध्यान दे सुनिएगा। हेलो बच्चों, अभी आपने समझा कि किस तरह से आपको बैटर्स पहचान कर अपनी आत्म सुरक्षा करनी है। क्योंकि बच्चों अब समय है आप सभी को अपनी स्व सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का, क्योंकि हमारे समाज में लिंग असमानता का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। बेशक बच्चियां अपने कौशल, अपनी क्षमता, अपने साहस से अपने बल बूते पर ऊंचाइयों को छोड़ रही है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में दूषित मानसिकता के व्यक्ति अभी भी मौजूद है, जो कि किसी लेडी से ही हेल्प मांगनी है, किसी भी जेंट्स से हेल्प नहीं मांगनी है। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई इंजर्ड हो गया है, तो एम्बुलेंस नंबर क्या है? 108। वेरी गुड, 108। ठीक है, ये दुर्घटनाएं बेटा किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, किसी अजनबी इंसान के साथ हो सकती है, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक फोन करके एम्बुलेंस को तो बुलवा सकते हैं कि नहीं? मदद करना भी तो अपनी मदद करना होता है। हम जब दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी हमारी मदद के लिए। अरे वाह, वेरी नाइस। अच्छा, कोई गर्ल्स ऐसी किसी को अपना पड़ोसी का नंबर याद हो? ये काम है, कोई बात नहीं गर्ल्स, हमें 2-3 नंबर याद होने चाहिए, अपनी दीदी का, भाई का, मम्मी पापा का तो कंपलसरी है ही। उसके बाद भी कई बार क्या होता है, नेटवर्क नहीं मिल लगता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम कहीं खो जाते हैं, तो हम कम से कम नंबर हमारे माइंड में होता है, तो हम किसी भी फोन से बात कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन बच्चों जैसे इस बच्ची का क्वेश्चन है कि 4-5 बच्चों ने पकड़ लिया तो क्या हो? बच्चों सबसे पहली चीज ये है कि आज के समय को देखते हुए आपको ऐसी जगहों से नहीं गुजरना है कि कोई आपको पकड़ ले। बच्चे शॉर्टकट के रास्ते से जाना चाहते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सबसे पहले सुनसान गलियों से होकर नहीं गुजरेंगे। जब आप भीड़ भरे रास्ते से निकलेंगे, अपने रोज के रास्ते से गुजरेंगे, तो 4-5 लोग आपको पकड़ नहीं सकते, और जब तक 4-5 लोग आपके पास आएंगे तब तक आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने बच्चों को 6 सेंस अपनी दी है कि बच्चे समझ सके कि उनके साथ कौन सी घटना घटने वाली है। इसलिए जागरूक होकर रहे, सतर्क रहे, यही आपकी सुरक्षा के बंधु है, बचाव के रास्ते हैं। थैंक यू। मार सकते हैं, जैसे कि ये जैसे कि उसमें भी दिखाया गया है, ये पकड़ रहा है, जब उसने उसको पंच मारा तो पीछे हो गया और उसने अपने घुटने से एक उसको घुटने पर भी मारा। इस पकड़ इससे आप आसानी से छूट जाएंगे और आप सुरक्षित हो जाएंगे। सेकंड टिप्स, सेकंड टिप एल्बो हिट। बच्चों कभी कभी ये होता है कि हम किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ भरे रास्ते से तो कोई हमें नहीं छूने का, टच करने का प्रयास करेगा आपको, लेकिन यदि कहीं सुनसान रास्ते से आप जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि चारों तरफ गलियां हैं या कुछ ऐसे रास्ते हैं कि कौन आपको इस तरह से पीछे से आकर पकड़ ले, लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं। अगर उसको इस तरह से पकड़ लिया तो बच्चे घबरा जाएंगे, उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको अपनी एल्बो का यूज करना है। जैसे किसी ने आपको पकड़ लिया इस तरह से, पकड़ो इस तरह से, आपको अपनी एल्बो का यूज करते हुए 2-4 पीछे हिट करना है उसके पेट में, उसकी गर्दन में, उसके मुंह पर। इससे यह होगा कि उसकी पकड़ से आप जब थोड़ा सा ढील मिलेगी तो आप पीछे पलट कर एकदम घूसे मुक्के मारकर अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स, ये छोटे छोटे सुरक्षात्मक बिंदु बच्चों आपके जीवन में बहुत उपयोगी होंगे। दादी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों आप देख रहे हैं, हाल ही में आपने कभी घटना के सुना होगा,
एक डॉक्टर के साथ जो भी घटना हुई है आप सभी परिचित होंगे, न्यूज के माध्यम से, पारिवारिक बातों के माध्यम से आप सभी को पता होगा। लेकिन बच्चों शिक्षित होना ही सबसे बड़ा कारण नहीं है। आप सभी लोग परिवार में रहकर, स्कूल्स में रहकर संस्कारों के साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, साथ ही साथ आपको आत्मसुरक्षा करना भी आना चाहिए, क्योंकि बच्चियां कोमल जरूर है, कमजोर नहीं है। यदि देखा जाए तो एक ये प्रकृति भी एक स्त्री के चारों ओर घूम रही है, क्योंकि हमारे देश को भारत माता कहा गया है। नदियों के स्त्री रूप में पूजा जाता है, यह नारी प्रधानता की पावर। इसलिए बच्चों सबसे पहले आप अपने मन को, अपने साहस को, अपने आत्मबल को केंद्रित करना सीखिए कि हाँ मैं एक लड़की हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। इसके लिए मैं आपको कुछ आत्मसुरक्षा के टिप्स बनाती हूँ। हालांकि ये टिप्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन किसी भी विषम परिस्थिति में ये आपको सुरक्षित अवश्य रखेंगे। एक बच्चा मेरे पास आ जाए, एक बच्ची आ जाइए, कोई भी जिम में चले जा रहे हैं, फोन पर चैटिंग करते हुए, नेट चलाते हुए, गाने सुनते हैं, इस तरह से ये घटनाएं क्राइम को अंदेशा देती हैं। बाल अपराधी तो इस जुराब में बैठे ही हैं कि कब आप असहज हो, कभी आपका माइंड किस तरफ डाइवर्ट हो और उन्हें अपराध करने का मौका मिले। इसे बच्चों आपको अपनी स्व सुरक्षा करना आना चाहिए, क्योंकि परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके साथ प्रत्येक समय नहीं हो सकता। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि बच्चों यह तो आप सभी जानते हैं कि बच्चियां कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है कि नहीं। जब भी आप घर से बाहर निकले सबसे पहले अपने आत्मबल को केंद्रित करके निकले, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपका साहस देखकर कोई भी अपराधी आपके साथ अनुमानी करने से पहले कई बार सोचेगा, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर, आपके साहस को देखकर। क्योंकि जब आप मेंटल प्रिपेयर्ड हैं तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चों शेर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि शेर जंगल का राजा होता है। बच्चों आप स्कूल जा रहे हैं, आगे चल के आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपके जो सपने होंगे वो पूरे करेंगे, जॉब में जाएंगे, मेट्रो सिटीज में पढ़ने भी जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में बहुत सारे मनचले लोग भी मिलेंगे, स्कूल के साथ साथ आगे भी, जो कि आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सुनसान रास्ता पर चलते हुए वैसे भी बच्चियां हो या महिलाएं हो घबराती हैं, लेकिन यदि आप बुद्धि विवेक से काम लें, आत्मरक्षा टिप्स को फॉलो करेंगी तो आप सुरक्षित रह सकती हैं। सपोज कीजिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति अचानक आ गया है, उसने आपके हाथ को पकड़ लिया है या आपको छूने का प्रयास कर रहा है, उस स्थिति में आपको एक मैं टिप्स बता रही हूँ, पंच मांगना। इस तरह से उसने आपको अगर पकड़ लिया है, सबसे पहले तो आप उसकी कलाई को मरोड़ते हुए अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास कीजिए और दूसरे हाथ से उसकी कलाई को मरोड़ते जाइए, जिससे कि वह अपनी कलाई को पकड़े देखकर पकड़ा जाना पसंद नहीं करेगा, छुड़ाने का प्रयास करेगा। उस स्थिति में आप भाग सकते हैं। और अगर उसने आकर सामने से आपको इस तरह से पकड़ भी लिया है तो आप अपने हथेली के लोअर पार्ट्स को इस तरह से करते हुए, यानी कि पंच मारने वाले जो टिप है उसको करते हुए, जब आप उसके मुंह पर, गर्दन पर, कहीं भी आप संस्था तिथि की सदस्य शालिनी साहू आप सभी लोगों का भावपूर्वक वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि गुड टच और बैड टच, गुड टच तो बेटा सभी को अच्छा लगता है, बट बैड टच किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो बड़े हो अथवा छोटे हो, है ना। तो गुड टच में क्या क्या चीजें आ जाती है बेटा, किसका स्पर्श हमें अच्छा लगता है, माँ का, पापा का, दादाजी, जो अपने घर में बड़े लोग होते हैं जिनका स्पर्श हमें बहुत अच्छा लगता है उसको बैड टच, मतलब सॉरी गुड टच बोलते हैं।
और उसके अपोजिट जो बाहर के अंकल्स रहते हैं जिसकी हमें नजर भी पसंद नहीं रहती है, वो हम वॉच आउट कर लेते हैं कि ये हमें अलग दृष्टि से देख रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? बैड टच हो जाता है ना। तो बैड टच हमारे लिए बेटा आज के समय में बहुत ही डेंजर चीज है, जिससे हमें अपना बचाव, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। घर वाले तो बेटा बाद में आते हैं, पहले हमें खुद ही उस पे लड़ना पड़ता है। जैसे नवरात्रि में आप लोगों को कौन सी पूजन के रूप में पूजा जाता है? माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो जब हमें कोई बैड टच के अकॉर्डिंग छूता है या देखता है, तो हमें किसका रूप धारण करना है? माँ दुर्गा बन जाना है हमें तुरंत। और तुरंत क्या बोलना है? दूर हट जाओ। और उस अकॉर्डिंग हमें जाके अपने बचाव के लिए जो मैम नंबर बताएंगी, जो नंबर प्रोवाइड करेंगी, उस पर हमें कॉल करना है, उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं बेटा। ये देखिए, इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी पोस्टर्स पे कि हम कौन सा टच हमारे लिए गुड है, कौन सा बैड है। बेटा ये देखो, हमारे लिए गुड टच है, ये हमारा फैमिली है। जैसे हमारी फैमिली हमारे लिए क्या होता है? सेफ जोन होता है। वो हमारे लिए क्या होता है? अगर हम उस सेफ जोन से बाहर जाते हैं, और बेटा वो एक दिन हमें जाना ही पड़ता है, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, बड़े होंगे तो कॉलेजेस जाएंगे, जैसे कोचिंग्स जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपनी सेफ्टी जरूरी है। और ये जो हमारा जो सेफ जोन है, उस पर देखिए कौन कौन आ रहा है। ये दादाजी हैं हमारे, ये पापा हैं, ये भाई है हमारा, ये बहन है हमारी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? तो बेटा जो घर में भाई बहन हो या पापा से थोड़ी भी अनबन हो जाती है, तो हमें उस चीज को पॉजिटिविटी लेकर ही उसको वो करना चाहिए, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि पापा ने मुझे डांट दिया, कि मम्मा ने मुझे डांट दिया, तो अब मैं इनसे कोई भी बात अपनी शेयर नहीं करूंगी। सबसे पहले कोई भी बाहर अपन कुछ भी अपन से कोई अंकल कुछ भी कह देते हैं या नेगेटिविटी हमारे अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें किसे बताना है?